हेलो फ्रेंड्स, अभी हम दिखाना चाहते हैं कि सोनपुर मेले में इस बार 2023 का जो सोनपुर मेला है वो काफी यूनिक रहा है और बहुत ही अलग किस्म का वैरायटी है, जो कि साहिल है ऐसा आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, बट इस बार सोनपुर मेला में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। आइए बात करते हैं जो ये लेकर आए हैं और बेचने के लिए लाए हैं या शोपीस के लिए आया है, वो आप लोगों को वीडियो में आगे पता चलेगा। अगर आप इसका नाम जानते तो कमेंट कीजिए करके जरूर बताइएगा इसका नाम क्या, और इससे पहले आप कहाँ देखे थे, मोबाइल में ही देखे थे या लाइव भी कहीं देखे हैं, तो जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। आइए बात करते हैं व्यापारी से और बताते हैं क्या कि ये कहाँ से लेकर आए हैं और क्या प्राइस रखे हैं या शोपीस के लिए लाए हैं। कहाँ से आप आए हैं? समस्तीपुर जिला। ये कहाँ से लेकर आए हैं साहिल को आप? रामपुर बकरी। खरीद कर रहे थे? कितने में खरीदे थे? कहीं से मिला था? क्या था? छोटा बच्चा था। छोटा बच्चा कहाँ खरीदे थे या मिला था? खेत में से निकलवाए थे। अच्छा, खेत में से निकलवाए थे, वही समस्तीपुर से ही। इसको बेचने के लिए लाए हैं, शो प्रदर्शनी के लिए? बेचने के लिए लाए। बेचने के लिए क्या कीमत रखे हैं इसका? 10,000 रुपया। 10,000 रुपया कीमत है। देख सकते हैं कि साहिल लाए हैं और यहाँ पे आप लोगों को 10,000 रुपये की कीमत ही खोल के दिखाएंगे। इसको स्टिकर लगा हुआ ऐसा आप लोग पहली बार देखे होंगे मोबाइल में, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ अलग ही इस बार सोनपुर मेला 2023 का इतिहास रहा है और कुछ अलग चीज आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ये शेर से भी लड़ जाता है और शेर को भी हरा देता है अपने ये इन पंखों से, ये शेर पर भी वार कर देता है जिससे कि ये शेर से बच जाता है और उनके चंगुल से निकल कर उनका शेर का शिकार करना बहुत ही कठिन हो जाता है इसको। देखिए ये अपना मतलब कह सकते हैं कि अपना पिंजरा बना लिया है, घूम फिर कर इसी में वापस चला जा रहा है और यहाँ पे इसको देखने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। तो आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि इससे पहले इन लोगों ने कहीं देखा है कि नहीं, इससे पहले कहीं देखे हैं आप लोग साहिल को? नहीं, नहीं देखे हैं आप लोग इससे पहले साहिल को? कहीं देखे हैं लाइव? कहाँ देखे हैं सर? अपना प्यार राघोपुर में। राघोपुर में देखे हैं? बहुत देखे हैं। वहाँ निकलता है क्या? केला के थम से कितना बार पकड़ाया है? अच्छा, आटा होता है ये आसानी से नहीं पकड़ाता केला के थम से? केला के थम जैसे रात में निकलेगा नहीं जी सर, रात में निकलने के बाद ये जो है अपना पूरा फल जो है उसको खड़ा कर और एक आवाज निकालता है, इसका जो कांटा उठा कराता है झर 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 करेगा। अच्छा, आपको चुप चाप को चुप कर रहना, आपको केला का थम फेंक देना। अच्छा, केला का थम का थम अगर फेंक दीजिएगा कांटा जो उसमें गड़ जाएगा, भाग नहीं पाएगा, तभी पकड़ाएगा। केले के थन से ही पकड़ाएगा, बाकी ऐसे ही नहीं पकड़ा सकता। गोली मारिए, तीर मारिए, पिस्टल मारिए। अच्छा, तो देख सकते हैं जैसे कि बताया कि इसको पकड़ना नामुमकिन है हाथ से, जब भी आप इसको पकड़ेंगे इसका शिकार करना चाहेंगे तो आपको केले के थन से इसका शिकार करना होगा। और यहाँ पे इसका कीमत रखा गया है 10,000 रुपए। इन कीमत में क्या डिस्काउंट उस्काउंट मिलेगा या फिक्स है? फिक्स प्राइस है। तो देख सकते हैं कि इसका फिक्स प्राइस इन्होंने रखा है जो कि साहिल है। ऐसा अगर आप लोगों ने देखा है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, लेना चाहते हैं तो आप लोग जरूर आ सकते हैं और विक्रेता से बात कर सकते हैं। मात्र एक ही पीस है सोनपुर मेला में,